दोस्तों 110 गज का इंडिपेंडेंट फ्लैट लेके आए आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग डिमांड करते हैं कि एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट दे दो, वैसे ही कुछ ही होने वाला है। 3 BHK का 110 गज का फ्लैट, 2 वॉशरूम के साथ बढ़िया कनेक्टिविटी, शानदार लोकेशन, मेट्रो से मात्र 500 मीटर की दूरी पे, मेन मार्केट से मात्र 100 कदम की दूरी पे, और बजट बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बजट होने वाला दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बजट के अंदर आपको 110 गज का 3 BHK फ्लैट दूंगा, इंडिपेंडेंट फ्लैट। नीचे पूरी आपको पार्किंग मिल जाएगी, स्टील पार्किंग मिल जाएगी, कार की पार्किंग मिलेगी शानदार सी। दोस्तों शानदार सा इसका फ्लैट रेडी कर रखा है, उसका बजट जो है दोस्तों मात्र आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं, मात्र आपको मिल जाएगा 45.5 लाख के अंदर, 45.5 लाख के अंदर आपको ये फ्लैट मिलेगा, शानदार सा 3 BHK 110 गज का। दोस्तों देरी न करते पूरा आपको फ्लैट दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों स्वागत है आपका फ्लैट के अंदर। सबसे पहले आपको दिखाएंगे हमारा ड्राइंग रूम। दोस्तों देख सकते कितना बड़ा आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, ड्राइंग रूम मिल रहा है। लगभग बात कर लो इसके साइज की, तो लगभग आपको 12x20 से 22 के आसपास आपको इसका लिविंग एरिया मिल जाता है। देख सकते कितना स्पेशल आपको इसका लिविंग एरिया मिल रहा है, शानदार सा आपको डिजाइन मिल रहा है, बढ़िया सा आपको सैंपल में देखेंगे तो शानदार सा इसमें लाइटिंग वाला आपको झूमर मिल जाता है, जिसमें आप अपनी लाइट वगैरह चेंज कर सकते हो। दोस्तों देखिए कितना शानदार इसकी लुक लग रही है। सामने आप लोग देखेंगे तो बढ़िया सा इसमें मोल्डिंग के डिजाइन के आपको बढ़िया सा वॉलपेपर डिजाइन दे दिया गया है, बहुत ही शानदार इसकी लुक लग रही है। दोस्तों इसका जो पेंट है, हमने इसकी थीम रखी है, हमने ऑफ वाइट रखी है, बहुत ही शानदार लगती है। जो रॉयल लुक आता है ना दोस्तों, वो ऑफ वाइट के अंदर ही आता है। दोस्तों ऑफ वाइट की पूरी थीम दे दी है, देख सकते स्पेस देखिए दोस्तों कितना बढ़िया आपको स्पेस मिल रहा है, बढ़िया सा आपको पूरा काम मिल जाता है, ऊपर आपको पीओपी का डिजाइन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आप लोग देखते तो बढ़िया सा आपको एलईडी पैनल मिल जाता है, जहाँ आपका लगभग 55-60 इंच का टीवी बड़ा आराम से स्टोल्ड हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा आपको स्पेस मिल जाता है टीवी पैनल के लिए, ऊपर आपको लाइटिंग मिल जाती है, नीचे आपको ड्रॉस वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आपको ले चलता हूँ अपने किचन की ओर। किचन में जाने से पहले आपको दिखाता हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम आप लोग देख सकते हैं, स्पेशल आपको वॉशरूम मिल जाता है, इसके अंदर पूरा अभी सैनिटरी वगैरह बाकी है। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ हमारा शानदार सा किचन, देख सकते हैं कितना बड़ा आपको किचन मिल रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग कर दी अपनी किचन से, ये देख सकते दोस्तों कितना बड़ा आपको किचन मिल रहा है, शानदार सा पूरा मॉडुलर किचन आपको मिल जाता है, व्हाइट कलर का स्लैब मिल जाता है, ऊपर बढ़िया सा झूमर मिल जाता है। दोस्तों पूरा लाइटिंग का वर्क रखा है शानदार से, देख सकते हैं ये इसमें आपको स्पेस मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों पूरा मॉडुलर वर्क आपको इसके अंदर मिल रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों आपको चिमनी स्टोर लो के मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग देखें तो पूरी बास्केट वगैरह आपको मिल जाती है बढ़िया सी। दोस्तों इसमें 3-4 लेडीज बड़े आराम से खड़े होकर वर्क कर सकती है, कुछ भी अपना बढ़िया बढ़िया पकवान बना सकती है, 56 भोग बना सकती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ आपको बड़ा सा आपको डबल डोर का फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपका आराम से फ्रिज स्टोर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने बेडरूम की ओर। दोस्तों एक और खास बात, इस फ्लैट के अंदर हमारा जो है 2 जो बेडरूम है, दोनों से अटैच आपकी पर्सनल बालकनी मिल रही है, 2 बालकनी आपको मिल जाएगी इस फ्लैट के अंदर। पहले चलते हैं मेरे लेफ्ट की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बाथरूम से 40 इंच का टीवी बड़ा आराम से स्टोर हो जाएगा। नीचे भी आपको ड्रॉस वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, सामान रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। दोस्तों स्टोरेज है पूरी प्रॉपर आपको स्टोरेज मिल रही है इसमें, वेंटिलेशन की दोस्तों यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, और यहीं से अटैच आपको हमारी एक बालकनी मिल रही है। दोस्तों बालकनी आप लोग देख सकते हैं, लगभग आपको 3x12 का आपको बालकनी का साइज मिल जाता है। फ्रंट रोड आपको दिखाता हूं एक बार, फ्रंट रोड आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको 25 फुट का फ्रंट रोड मिल जाता है, मेन शुक्र बाजार के आपको फ्लैट पड़ने वाला है, काफी अच्छी लोकेशन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की ओर। दोस्तों अब हम आ गए अपने सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम आप लोग देख सकते हैं पूरा स्पेस रखा हमने इसके अंदर, काफी स्पेशल आपको बेडरूम मिल रहा है, 12x13-14 के आपको बेडरूम मिल जाता है, काफी स्पेशल है। देख सकते हैं कितना खुला आपको बेडरूम मिल रहा है, ये समझ लीजिए आप अपना 6x6 का बेड अपना यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे पूरा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे वेंटिलेशन भी आपको यहाँ पे शाफ्ट मिल जाती है, बढ़िया सा स्पेस मिल जाता है, और शानदार सा पीओपी का डिजाइन मिल जाता है। दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, दोस्तों सिंपल सोबर ये फ्लैट रेडी किया है आप लोगों के लिए, शानदार सा फ्लैट है। दोस्तों इससे बाहर आती है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको बढ़िया सा एक मोल्डिंग का डिजाइन मिल जाता है, इसमें वॉलपेपर का आपको पूरा डिजाइन मिल जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड बेडरूम लास्ट बेडरूम के, जो ये भी हमारा जो है बालकनी से अटैच है, और इसमें भी आपको मिल जाएगा क्या, ये मास्टर बेडरूम रहेगा तो इसके अटैच आपको बालकनी ही मिलेगी और वॉशरूम भी मिल जाएगा।
दोस्तों स्वागत है आपका थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी शानदार सा वॉलपेपर का डिजाइन आपको मिल जाता है। देख सकते हैं कितना शानदार इसमें ग्रीन लुक के अंदर आपको इसमें वॉलपेपर का डिजाइन मिल रहा है। ऊपर शानदार सा आपको पीओपी का डिजाइन मिल जाता है दोस्तों। साथ ही इसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको देते हैं एक बढ़िया सा एलईडी पैनल जहाँ आपका 32 से 40 इंच का टीवी इंस्टॉल हो जाएगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं जैसे मेरे फर्स्ट बेडरूम में था इसमें भी है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं पूरा स्टोरेज आपको नीचे मिल जाता है सामान रखने के लिए। सामान वगैरह रख सकते हैं, स्पेस में कुछ भी रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा मोल्डिंग के डिजाइन के ये चीज बनाई हुई है देख सकते हैं दोस्तों। ये अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर भी कुछ हमारा काम बाकी है फ्लैट के अंदर। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ इस रूम के अंदर भी आपको दे दिया आपको ट्रिपल डोर के साथ बड़ी सी अलमीरा। दोस्तों देख सकते हैं इसमें काफी अच्छा स्पेस है, कुछ सामान हमारा इसमें भी रखा गया, साफ सफाई काम भी पेंडिंग है। ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों पहले ही रेडी कर दी गई है ताकि आपसे आप फ्लैट पहुंचा जाए। दोस्तों वेंटिलेशन भी दोस्तों इस रूम के अंदर भी आपको मिल जाती है बड़ी से विंडो, आप चाहो तो रूम कर विंडो इसकी बड़े आराम से लगा सकते हो। आगे बढ़ते अपनी बालकनी की ओर, जो हमारी सेकंड बालकनी है दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी सेकंड बालकनी रहेगी सेम साइज की 3x12 की, आपको ये बालकनी ये भी मिल जाती है। हमारा जो फ्रंट है 32x28 का ये फ्रंट है, इसलिए दो बालकनी आपको फ्रंट मिल रही है दो बेडरूम से। दोस्तों गली मैंने आपको दिखाई दी थी 25 फुट या 7 फुट की गली है, मेन शिफ्ट बाजार के पास ये फ्लैट पड़ने वाला है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन होने वाली है, आपके घर से रात को अगर कोई वर्किंग डे रोड लेट नाइट आता है 12-1 बजे तब भी उसको ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से। इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन होने वाली है। बजट दोस्तों आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ फ्लैटों के रेट यहाँ पे 100 गज के 70-70 लाख पहुंच गए, आपका भाई आपको ये फ्लैट मात्र 45.5 लाख के अंदर देगा बहुत ही शानदार सा। इसके अंदर लोन फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलता आप लोगों से एक नए फ्लैट के अंदर एक नई वीडियो के, जब तक नमस्कार।